सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज आपने थंबनेल सही देखा, हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल 2023 की आपको तैयारी कैसे करनी है। सो आप लोगों को पता है कि रिजल्ट आ चुका है 2022 वालों का, कट ऑफ इस बार बहुत हाई गया है रैंक वाइज, क्योंकि इस बार से आपका चेंजेस आए हैं रैंक कार्ड में, अब मार्क्स शो नहीं होता है। तो रैंक कार्ड से अगर बात किया जाए रैंक के अनुसार, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा तभी आप 2023 में अच्छे से सिलेक्ट हो पाओगे। तो रैंक वाइज आपको बहुत मेहनत करना होगा, सारे विषयों पे आपको मेहनत करना होगा और खासकर साइंस और मैथ्स पे। 7 सब्जेक्ट टोटल होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, जीके, मैथ्स, ठीक है। और आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है साइंस और मैथ्स के ऊपर, यानी 4 सब्जेक्ट्स हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। उसके बाद फिर आपका आ जाता है हिंदी, इंग्लिश, फिर जीके, टोटल 7 हो गए। 7 सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, लेकिन विशेष ध्यान आपको जीके मैथ पे देना है। अगर आप चाहते हो कि आपको अपना मनपसंद कॉलेज और मनपसंद कोर्स मिल पाए, सो अगर आप लोग ये चाहते हो तो साइंस पे अच्छे से फोकस कीजिएगा, क्योंकि पैरामेडिकल का मतलब है मेडिकल, तो साइंस विषय पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। साइंस ही आपका जो विषय है जो आपको रैंक दिलवाता है, मैं ये हर साल अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, इस साल भी आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि साइंस ही वो सब्जेक्ट है जो आपको रैंक दिलवाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस पोर्शन से होते हैं, 25 क्वेश्चन यानी 125 मार्क्स, यानी 25 × 5 125 मार्क्स का होता है। मार्क्स का हम लोग बात करेंगे नहीं, क्योंकि अब आपका मार्क्स शो होता नहीं है, ठीक है। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 25 क्वेश्चन होते हैं, 9 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 8 क्वेश्चन फिजिक्स, 8 क्वेश्चन ऐसे करके केमिस्ट्री से रहता है। तो फिजिक्स का आप लोग देख सकते हो कि 11th 12th पूरा बेस्ट रहता है, 10th क्लास से अब नहीं आता कुछ भी, 11th 12th पूरा आपका सिलेबस, यानी कक्षा 11 कक्षा 12वीं दोनों का आपका सिलेबस मिला के, कुछ कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे अभी भी दिख रहे होंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर आपका क्वेश्चंस हर साल आता है, रिपीटिव क्वेश्चंस रहते हैं, रिपीटिव चैप्टर्स रहते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग आपको डिटेल्स में कराते हैं। तो केमिस्ट्री का आप लोग देख सकते हो, ये सारे चैप्टर्स हैं। मैं आगे और भी वीडियोस लाऊंगा सब्जेक्ट वाइज, किस प्रकार से आपको कौन कौन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो करने हैं। तो ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल, यहाँ पे आप जस्ट सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। तो आप लोग चैप्टर्स जो जो इंपॉर्टेंट है साइंस के, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। फिर अदर वीडियोज़ में आपको भी सारे सब्जेक्ट्स वाइज आपको बताया जाएगा, ठीक है। जीव विज्ञान का भी आपका ये वीडियो बेसिकली बनाई गई है कि किस प्रकार से आपको अभी से ही तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई हो रखा है। तो कंपटीशन हाई है, सो अभी से आप लोग तैयारी कीजिए और आप 11th 12th अच्छे से अपना साइंस कीजिएगा। मैथ्स आपको 10th लेवल का अच्छे से करना है, क्योंकि 15 क्वेश्चंस रहते हैं, हिंदी इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस रहते हैं, पूरा आपको 10th तक का ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आना चाहिए पूरा अच्छा से। आपको जीके, करेंट अफेयर्स वगैरह मिला के 20 क्वेश्चंस वहाँ रहते हैं, तो टोटल 90 क्वेश्चंस रहते हैं, 90 क्वेश्चन इंटू 5 आपका 450 मार्क्स का रहता है। लेकिन अब मार्क्स शो होता नहीं है, तो मार्क्स को छोड़ के हम लोग रैंक पे बात करेंगे। अब रैंक का बात है तो आपको सबसे आगे रहना है, उसके लिए आपको सबसे बेस्ट रहना है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी से ही लग जाइए, जो बच्चे नए हैं तो आप लोग अच्छे से अभी से ही अपनी तैयारी कीजिए। और आप हमारे चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हो, आपको यहाँ पे आगे चल के डेली लाइव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगी, और अलग से भी आप अगर विशेष तैयारी करना चाहते हो, यानी बेसिक से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि यूट्यूब पे ऑली ऑब्जेक्टिव बेस आपका क्लासेस चलता है, और हमारे पेड कोर्स में जो आपका विशेष क्लासेस चलते हैं वहाँ बेसिक से आपका सारा A to Z आपका कराया जाता है 7 सब्जेक्ट्स का। तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में मिलेगी, और एक वीडियो और आएगी 2023 की तैयारी के लिए, कैसे पैरामेडिकल मैट्रिक की करनी है, उसमें और डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसे लगी आज की कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अंतिम में आपका पेड कोर्स की जानकारी है। सो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स हमारे पेड कोर्स है, और एक आपको पूरा डिटेल में चाहिए कि कैसे चलेगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए कि पेड कोर्स में ज्वाइन हो रहा है, फिर आपको सारा और डिटेल्स दे दिया जाएगा, वो आप देख लेने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी 499 फीस था, लेकिन अभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए 399 में ही आपको फुल पेड कोर्स यानी एग्जामिनेशन जब तक ओवर नहीं होंगे तब तक चलेगा। तो आप लोग जल्दी इस ऑफर का लाभ उठाइए, और जिनका
रिजल्ट अच्छा है उनको ऑल द बेस्ट है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप पीपीआई सोल्जर्स थे यानी पीपीआई के स्टूडेंट्स थे कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और काउंसलिंग भी आपका जस्ट स्टार्ट होने वाला 5 से 10 दिन में, तो उसके लिए भी रेडी हो जाइए। जिनका रैंक ज़्यादा है 20,000 से ऊपर है वो अभी से ही अपना तैयारी शुरू कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स।